हेलो गाइस, हेलो हेलो भाई, हेलो। चलो आज चलते हैं हम लोग, एकदम आज एकदम ज़्यादा फालतू बातें नहीं करूँगा। आज हम लोग सुपर मार्केट सिमुलेटर खेलने वाले हैं। यहाँ खोलेंगे एकदम खतरनाक लेवल की, मतलब ऐसी दुकान खोल दूंगा आज मैं। हम लोग देखते देखते हैरान हो जाएंगे कि यह क्या दुकान खोल दी भाई जी ने। ये फालतू बातें भाई, यहाँ नज़ारा देखो एकदम अमेरिका अमेरिका कौन सी जगह आ गए यार ये। डाउन बाइक लेन, चलो क्लोज्ड है ये शॉप। कुल मिला के हमें थोड़ा बहुत पता नहीं है, मुझे गेम थोड़ा भी एकदम नहीं पता है भाई। मैं ये गेम का वीडियो देख के नहीं आया एकदम, तो अभी जैसा पता चल रहा है हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी लेने को, गरीब हैं हम लोग। अच्छा दोस्तों, मैं समझा, उसी कंप्यूटर से हम लोग को ऑर्डर करना है अभी। चलो ऑर्डर करते हैं कंप्यूटर से, जो ऑर्डर करना है भाई, रुक जाओ। ये जैसे ऑर्डर किया हम लोगों ने, 17 का बन गया बिल। एग्स, ये सब चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं ना फिर। हाँ, परचेस -$102, ऑर्डर शिपिंग बैलेंस 100 का ही है हमारा। तीन चीज़ें ले पाएंगे, ले ली भाई तीन चीज़ें, इसमें मेरा घाटा ना हो जाए भाई कभी। तीन चीज़ें मैंने ले लिया, अब इसे बेचने के लिए यहाँ लगाना होगा ना। अरे ये कैरी नहीं करना है भाई, ये कैरी नहीं करना था। रुको 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 रुको, अच्छा डिलीवरी हो गई दोस्तों, सुनो डिलीवरी हो गई, बाहर पड़े थे भाई। थोड़ा रियलिटी में ही है ये गेम, मतलब मैं थोड़ा इसे ज़्यादा ओवर ना रियलिटी के ले रहा था, लेकिन ये तो सच में बाहर छोड़ के गए हैं भाई। बॉक्स खोलो, इसे यहाँ रखो। तो R टू थ्रो, G टू ड्रॉप, ड्रॉप में भी थ्रो ही कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अरे इसे खोल के रखो भाई, अब इसके अंदर से भाई मैंने रैक यहाँ कर दिया है यार। चलो अच्छा, ये चीज़ हमने ब्रेड तो लगा दी दोस्तों, अब जी टू ड्रॉप, इसे ड्रॉप करते हैं। इसे कैरी करके ये देखो, बस बस बस, अब एकदम परफेक्ट दुकान हो गई ना। दूसरा बक्सा देना, कचरा भी नहीं फैलाएंगे वैसे, मैं उसका देखता हूँ क्या हो सकता है, खाली बॉक्स का रद्दी में बेच देता हूँ। ये चीज़ भी होती होगी भाई, इस गेम का भरोसा नहीं। ये वाली कौन सी चीज़ थी? ओ, थ्रो द बॉक्स इनटू द ट्रैश डस्टबिन। सच में भाई उठा ले जाएंगे फिर तो, मुझे रुक जाओ, इसे थोड़ा मैनेज करके अच्छे से लगाता हूँ। ख़त्म हो गया, डस्टबिन में थ्रो करना है। ये वाला डस्टबिन है, डस्टबिन तुम लोग का खुलता नहीं है यार, तुम लोग डस्टबिन किए जा रहे हो। अरे वाह, यही वाला होगा डस्टबिन। नहीं, डस्टबिन के अंदर जाना चाहिए हिसाब से, यहाँ रख दो। चल रे वहाँ चल भाई, मेरे बक्से चल। ये हो गया, अब हम लोग के पास $16 बचे हैं, 8 बज रखे हैं सुबह के। स्टोर लेवल, पहला स्टोर का लेवल 1 ही है हमारा। वाह, एक और लास्ट बॉक्स बचा है, इसे खोल के भाई। ये जो गलियाँ हैं यहाँ, मुझे तो ना लगता कोई आएगा भी और शॉपिंग करेगा भाई, इतनी सब होगी यहाँ पे चीज़ें, होती होंगी भाई। चलो रख दो ये थोड़ा, हाँ ऐसे अच्छे से रखना इस बार, पिछली बार जो काम किया है काफ़ी हल्का लेवल का काम है। बस बस सब रख दिया, अब इसका ओ यहाँ इसके अंदर फेंकना था क्या भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तू एक बार यहाँ रुक, तो खुलता है कि क्या होता है भाई तेरे में? पिकअप, ओ ऐसे ऐसे, समझ गया, कचरा पेटी, समझ गया भाई। चलो इससे सारे चीज़ें डस्टबिन में डालते हैं, लगता है कस्टमर आने वाले हैं। ऐसा क्यों लग रहा है भाई? मैंने सामान तो सारा एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके रख दिया है, बस थोड़ी चीज़ें अजीब सी रखी है, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार। पड़ रहा है यार, क्या हुआ, यहाँ नहीं है, सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने खरीदा कितने में था? मैंने ब्रेड खरीदी थी ऑलमोस्ट 47 की ना, 47 की खरीदी थी, 60 में लगा देता हूँ क्या, 60 में लगा देता हूँ, 60 प्रॉफिट 59। अच्छा ये भी 60 में, और ये मैंने कितने का ख़रीदा था देख लेता हूँ। ये मैंने एग्स खरीदे थे $17 के, ये ज़्यादा एग्स में नहीं कमाएंगे, 17 के खरीदे थे, 22 लगा देता हूँ ठीक है। और ये मैंने चोकोपिक, ये कॉर्नफ्लेक्स का कौन सा वर्जन है भाई,
चौकी पिक कितने का ख़रीदा था भाई मैंने? $47 ना, $47 का ख़रीदा था ये, मैं लगा देता हूँ 47 का ख़रीदा था तो भाई इसमें 60 कर देता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। अब ओपन द स्टोर, क्लोज से ओपन। भाई ओ भाई, क्या चाहिए मैम आपको? मेरे को शांति चाहिए। $47 से 50 कर देता हूँ, $3 कमा लेंगे। मैम आप तो खरीदिए बस, वेट फॉर द फर्स्ट कस्टमर, बस बस $3 ही ज्यादा यार, ऐसा इन मिहेंगे क्यों हाय। यहाँ कितने का था यार ये? 47 का तो मैंने खरीदा है, अब क्या एकदम डूब जाऊं? 48 का तो करूंगा यार, मैं कमाऊं कैसे का? चल भाई 47 का ही कर देता हूँ, ठीक है भाई। सब डर लग रहा है, दो कस्टमर जा चुके हैं, कोई है? अरे सर अगले कस्टमर आप ही है, एटीट्यूड सर आपका एकदम बेस्ट लग रहा है, मतलब पूरी दुकान खरीद लेंगे ऐसा आपका लग रहा है शक्ल। देखते हैं क्या खरीदते हैं। महंगा है, $20 का लगा। सर $20 का खरीद लोगे? तुम लोग का बजट कितना है यार, तुम लोग का पता ही नहीं चलता। अरे भाई मुझे लगा कोई यंग आदमी है, ये कौन है? बाबा सहगल आए हैं। धूप में चलोगी तो बाल पक जाएंगे। तो यहाँ से मुझे लग रहा है हाफ से भी कम प्राइस में लगाना पड़ेगा, मेरा लॉस ही होने दो भाई। यूनिट प्राइस 0.99, टोटल मैंने इतने खरीदे थे इसीलिए ऐसा हुआ। सही बोल रहे हो सर, महंगा ही बेच रहा हूँ, इतना डबल ट्रिपल मैं अलग लगा के बैठा हूँ भाई, 10 का दाम ले रहा हूँ। ये 1.5 कर देता हूँ, 2 कर दूँ, इसे इतना तो चलेगा, नहीं लेने देते हो इतना प्रॉफिट भी इतना। आंटी एक मिनट रुक जाइए, $3-4 का कर देता हूँ इसे, बस बस अब सब कम का हो गया। अब देखते हैं अब बिकेगा एकदम, अब एकदम बिकेगा क्यों? क्या चाहिए? यस 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 यस। ओहो हो, जल्दी करो मेरे को घर जाना है। स्कैन कर लो, स्कैन कर लिए और ये रह गए। थैंक यू फॉर द कैश चेंज $15। आपका ही बिल बनाना है? हाँ। चलो स्पेस दबाना है, सिर्फ कुछ नहीं, मैं छुट्टा निकाल रहा था यार, मैं क्या हो गया भाई, गेम का ज़्यादा सोचो तब गेम कम सोचवाता है, जब कम सोचो तब गेम ज़्यादा सोचवाता है, सोचवाता क्या होता है पता नहीं। हाँ पैसा इनसफिशियंट चेंज, मारो की बेइज्जती कराओगे अलग लेवल का। कितना प्रॉफिट हुआ वैसे? मेरे पास $23 हो गए, प्रॉफिट का कुछ नहीं पता यार। सिर्फ ब्रेड चाहिए, क्या चाहिए? मैंने जो लेना है लेने देते हैं, पिछली बार बहुत कुछ हो चुका है, एकदम फास्ट सर्विस है। थैंक यू लादर। चलो $27 हो चुके हैं, एकदम प्रॉफिट। सेम आदमी दो दो बार आ जाते हैं पुनर्जन्म लेके। घर पे बोल रहे सामान छूट गया, मैं लूट गया। चलो ओ स्टॉक लगाना पड़ेगा, बाकी सब तो ठीक है। 25 चेकआउट्स करने हैं अभी हमें, उसके बाद हमारा काम होगा। बाबा सहगल एक बार फिर आ चुके हैं। धूप में चलोगी तो बाल पक जाएंगे। खरीद रहे हो? अंडे खाने हैं भाई सब, अंडे पे अंडे। ओ भाई पूरे रिश्तेदारों के लिए भी अंडे और कॉर्नफ्लेक्स, दो दो डब्बे, मतलब एक। मैं पागल हूँ, लेना देना है भाई, बेचो बस। डिस्काउंट दीजिए भैया। भाई पूरा उतना 36 मतलब मुझे लगाना पड़ा, तो चेंज तो नहीं, देना नहीं मिला, आई एम सैड। ओहो भाई ब्रेड नहीं मिल रहा है, ब्रेड खरीदो यार, रुको 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 रुको। ये ले धर छूटा। डिस्काउंट दी दीजिए भैया। कितना चेंज चाहिए? एक। चलो 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 वापस लगाने पड़ेंगे, आ चुकी है डिलीवरी भाई। आजकल काम कुछ ज्यादा ही चल रहा है इसलिए टाइम नहीं मिलता है आपसे बात करने का, समझे?
बड़ो आदमी बंग्यो गाण्यो। अंकल भाई आजकल अपनी धुन में मुझे ही घमंडी समझने लगे जब से प्रॉफिट हो रहा है। ऑयल भी ले लेते हैं ताकि कि नई चीज़ें भी, कि ऑयल और पास्ता मैंने नहीं बेचा है, सिर्फ ऑयल ले सकता हूँ एक बार वही लेता हूँ, ठीक है। $23 है, ये भी लेने तो होंगे भाई, कुछ कर नहीं सकते। चलो तावलो हिसाब लगा लो। इतनी ब्रेड खरीदी है मतलब एकदम सामान, तो भाई डिलीवरी नहीं लोग का इतना अच्छा सिस्टम है। अगले वीडियो में मिलेंगे, घर वालों का ध्यान रखना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करो लादर को।